जो भी कुछ हुआ है ये सब सच है। आप लोगों ने काफी न्यूज़ बनाई है, ये इतना जो भयानक जो कुछ हुआ है वो बता सकती, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं रहती कि हुआ हो तुरंत ही तुम लोग वो दे दो अपडेट। ऐसा एक लड़की की लाइफ ऐसी बर्बाद हुई है, एक घर बर्बाद हो गया पूरा। थोड़ा सा आप लोग को टाइम देना चाहिए संभलने का। क्या बताती हूँ मैं आप लोगों को कि राजवीर जी, फ्रेंड्स, अभी अभी एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि सपना के घर में जो 1-1.5 साल पहले जो भी राजवीर चौधरी के साथ जो कुछ भी हुआ था, अब धीरे धीरे पर्दा खुल रहा है कि शायद ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, ये जानबूझ के साजिश हुई थी। हालांकि सपना ने इतने दिनों से कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो मजबूर थी, उसके घर वाले भी मजबूर थे और बच्चे बहुत छोटे थे। पर कोई ऐसा शख्स है जिसने इन सब चीज़ों से पर्दा खोला है। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान YouTube पे भी मौजूद है। वो अपना वैसे तो चेहरा नहीं दिखाते हैं, पर उनकी बातों में इस तरीके से सच्चाई नज़र आती है, क्योंकि जब राजवीर चौधरी के साथ ऐसा कुछ हुआ था, वो कहते हैं कि वो ऑन द स्पॉट वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वो सब कुछ देखा है। हालांकि राजवीर चौधरी के साथ जब कुछ भी हुआ है वहाँ पे कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ था, 2-3 कैमरे थे चौराहे पे, बट वो जो पर कहा जा रहा है कि राजवीर चौधरी की कुछ रिश्तेदारों को मालूम था उस कैमरे में असलियत क्या थी, पर उन्होंने जानबूझ के वो कैमरा जो मेन कैमरा है उसको नहीं दिखाया था। जो दूसरा कैमरा है वो दूसरे एंगल से सोशल मीडिया पे वायरल किया था। कहा जा रहा है कि उसके बाद इनके फैमिली में दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारे इनको मतलब धमकियाँ आने लग गई थी। इनके कमेंट्स बॉक्स में भी सपना को कंटिन्यूस धमकी मिल रही थी। अंशु ने बहुत दिन से कॉलेज जाना बंद कर दिया था, क्योंकि अंशु को भी बहुत ज़्यादा डर लगता था कि ये सब कुछ कुछ हुआ है। हालांकि मजबूरी में ये लोग कुछ एक्शन नहीं ले पाए थे, पर कहीं ना कहीं डर था क्योंकि घर में छोटे से बच्चे थे। अब ये